बार कोर्ट ने मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दे दिया है। अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए पटना पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। बार कोर्ट SGM कुमार माधवेंद्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में कोर्ट ने आज इस पर फिर सुनवाई की और अनंत सिंह को 2 दिनों की रिमांड पर लेने का आदेश दे दिया है। हालांकि पटना पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड की मांग की थी। बता दें कि विधायक अनंत सिंह पर UPA एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर केस की जांच अधिकारी बार की एडिशनल ASP लिपि सिंह ने अनंत सिंह को 3 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। बुधवार को विधायक अनंत सिंह की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था। वरीय वकील मिथिलेश कुमार और रजनीश ने अनंत सिंह को रिमांड पर लिए जाने की अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि दिल्ली में पुलिस उनसे इस बारे में पूछताछ कर चुकी है। वकीलों ने यह भी कहा था कि अनंत सिंह की जान को खतरा है और उन्हें ऐसे में पुलिस को न सौंपा जाए। इसके साथ ही अनंत सिंह के वकीलों ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला भी दिया और कहा कि वे बीमार हैं और ऐसे में अगर रिमांड दी जाती है तो उस दौरान उनके वकील को भी पूछताछ के समय मौजूद रहने की अनुमति दी जाए, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और इस दौरान मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहें। ASP लिपि सिंह करेंगी पूछताछ। बताया जा रहा है कि आज की अदालत के फैसले के बाद अब ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस अनंत सिंह से पूछताछ करेगी। उनसे AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी सूची तैयार कर ली गई है। ये हैं कुछ अहम सवाल। मददगार कौन और कौन देता है सूचना? दिल्ली में कहाँ था ठिकाना? किसने बनाया वीडियो? कहां से आए अत्याधुनिक हथियार? कहां गया दूसरा LMG? केयर टेकर की जानकारियों पर पूछे जाएंगे सवाल।